एक पत्र में 1691 में रिचर्ड बेंटले अपने समय के एक अन्य प्रमुख विचारक न्यूटन को तर्क दिया कि यदि केवल एक सीमित संख्या होती तो ऐसा वास्तव में होता, अंतरिक्ष के एक सीमित क्षेत्र में वितरित तारे। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि यदि दूसरी ओर अनंत संख्या में तारे वितरित थे, अनंत अंतरिक्ष पर कमोबेश समान रूप से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके गिरने के लिए कोई केंद्रीय बिंदु नहीं होगा। ये तर्क उन नुकसानों का एक उदाहरण है जिनका आप सामना कर सकते हैं। अनंत की बात कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड में हर बिंदु हो सकता है। इसे केंद्र माना जाता है क्योंकि प्रत्येक बिंदु की अनंत संख्या होती है। इसके हर तरफ सितारे, सही दृष्टिकोण, ये केवल बहुत ही एहसास हुआ था। बाद में उस परिमित स्थिति पर विचार करना है जिसमें सभी तारे आते हैं।